राजधानी लखनऊ में दबंगों का बोलबाला किस कदर से समाज में कोहराम मचा रहा है, इसका अंदाजा इस घटना से साफ हो जाएगा। मामला राजीव गांधी के सोमनाथ द्वार के निकट का है, जहां पर लगभग 15 वर्षों से 2000 मासिक किराए पर रह रहे राजकुमार पांडे व उनकी विकलांग मां, जो कि लकवे से ग्रसित है, वह तीन भाइयों को सामान सहित पुलिस वालों ने कैसे बाहर फेंकवा दिया, जिस पर तमाम मोहल्ले वालों व पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं गौरव वाजपेयी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी। जैसे कि राजीव गांधी नगर में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक ऐसी बेसहारा माँ है जिसको फालिश पड़ चुकी है, उसका अंग किसी भी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है और उसको मकान मालिक के द्वारा बाहर निकाल करके सामान को फेंक दिया गया है। और इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का और उस पीड़ित लोगों का, जो लोग इस चीज़ से आहत हुए हैं, उनका कहना है लोगों का कि इन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा था कि पैसे दीजिए 1,00,000 रुपए तो हम आपको अपना मकान जो है आपके सुपुर्द कर देंगे, लेकिन उस एवज में किसी भी तरीके से मकान तो दरकिनार रहा और उनको पुलिस वालों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ, सदर कैंट के थाने के द्वारा इस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। आइए उस संदर्भ में बात करते हैं लोगों से। आपका नाजनी जी, आप जैसे मोहल्ले में रहती हैं और आप जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस चीज़ की और ये लोग परेशान हो रहे हैं इस तरीके से, तो पूरा आपने घटनाक्रम देखा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। ये लोग को निकाल दिया, ये लोग कम से कम 12 साल से आ रहे हैं उसी घर में जी, और क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया हम लोगों को कुछ नहीं पता, इन लोग का दिल इन लोग के मुंह से सुना हमने, और परसों इन लोगों को निकाल बाहर कर दिया। रात भर ये लोग भीगे बारिश में और हम लोगों ने अपने घर में रखा इन लोगों को परेशानी देके। सामान आज भी पड़ा है और पुलिस से कुछ बोलो तो पुलिस खुद हम लोग को टॉर्चर करती है। अच्छा, पुलिस ये थाना कैंट की सदर कैंट। अच्छा, तो क्या है, मतलब पुलिस किस तरीके से परेशान कर रही है? कल हमने जो है वहाँ पे हम लोग खड़े होके देख रहे थे तो कहने लगा वीडियो बना रही हो और जो है तुमको लेडीज पुलिस ला के मार खिलवाएंगे। ये किसने कहा, कौन, क्या नाम है उनका? ये उनका नाम क्या है बता दे। हाँ बताओ। शैलेश नाम है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजकुमार पांडे नाम है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं साहब लेबर मजदूरी करने वाला, होटल में काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसे, मतलब आप लोग जैसे कि किसी चीज को अगर पैसे दे रहे हैं किसी को, तो कोई लिखा पढ़ी की है उनके? साहब उन्होंने विश्वास दिला, जैसे आप उनको विश्वास दिला रहे, मैं भी विश्वास तो मैंने ही दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप विश्वास करते हैं पांडे की अम्मा नहीं राजकुमार तो दे दो, ऐसी बात है, हम उनके किराए में अरेस्ट कर लेंगे। तो किसको दिया था पैसे आपने? कभी इनको सीमा में इनका मतलब जिनको था वो सीमा जी को दिया गया, और कभी कभी इनके आदमी मिलते, जब आदमी दो तो ये कहती थी कि मतलब ये जब रहा कर इनको मत दिया करो, सुबह आया करो, और जब इनकी बीवी को देता था बीवी कहती कि मतलब हमारे हस्बैंड पी खा के ख़त्म कर देंगे, घर पर मिलता नहीं इसलिए हमको दिया करिए, पता इसमें से मकान मालिक है कौन भी मतलब। तो आप क्या तो कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? ये चाहता हूँ साहब, जब आप सामान देख लीजिए पड़ा हुआ, मैं इतना चाहता हूँ माँ चाहिए, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं तुम अपने वापस कर लो, मैं तुम्हारे पास 3-4 जो केस लेते मैं वापस करवा लूँगा। अच्छा, आप पे केस भी लगवा दिए? मेरे दोनों भाई के ऊपर। अच्छा, क्या केस लगवा दिया? मेरा सर जी कैंट थाना में एक केस चला था NDPS का जी, जिसमें मतलब हम कोई चीज़ में शामिल नहीं थे, फर्जी हमको दिखाया गया, वो केस एक लगाया गया, फिर से रीओपन किया गया है। उसके बाद मतलब जब हमको यहाँ से पकड़ के लेके गए 14 तारीख की शाम को 5:30 बजे रोड से, कहा कि साहब ने बुलाया, बोले साहब ने पूछ जाँच के लिए एक 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा तुम दोनों भाइयों को, फिर रात भर बैठा ले रहे 15 अगस्त की सुबह 11 बजे छोड़ा, वो भी सुलहनामा डरा धमका, यानी कि वो केस खत्म हो चुका था, लेकिन इस मामले के चलते और जैसे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दे करके उसको दोबारा से रीओपन करा दिया गया। तो ये सर जी हम कहते हैं अगर वाला पुराना केस रीओपन कराया गया है तो ये फर्जी में जो 3-4 केस लगे हैं ये हमने किया कब है? तुम अपने ये सब छोड़ दो, जल्दी हम तुम्हारे जितने जो केस में नहीं, तो ये किसने बोला है? इनके महेश ने। महेश क्या करते हैं? ऑटो चलाते सर। आपका नाजनी जी, आप जैसे मोहल्ले में रहती हैं और आप जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस चीज़ की और ये लोग परेशान हो रहे हैं इस तरीके से, तो पूरा आपने घटनाक्रम देखा है, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। ये लोग को निकाल दिया, ये लोग कम से कम 12 साल से आ रहे हैं उसी घर में जी, और क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया हम लोगों को कुछ नहीं पता, इन लोग का दिल नहीं, इन लोग के मुंह से सुना हमने, और
परसों इन लोगों को निकाल बाहर कर दिया। रात भर ये लोग भीगे बारिश में और हम लोगों ने अपने घर में रखा इन लोगों को परेशानी देके। सामान आज भी पड़ा है और पुलिस से कुछ बोलो तो पुलिस खुद हम लोग को टॉर्चर करती है। अच्छा, पुलिस ये थाना कैंट की सदर कैंट। अच्छा, तो क्या है, मतलब पुलिस किस तरीके से परेशान कर रही है? कल हमने जो है वहाँ पे हम लोग खड़े होके देख रहे थे तो कहने लगा वीडियो बना रही हो और जो है तुमको लेडीज पुलिस ला के मार खिलवाएंगे। ये किसने कहा, कौन क्या नाम है उनका? ये उनका उनका नाम क्या है बताओ? शैलेश नाम है। आपका क्या नाम है? राजकुमार पांडे। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं साहब लेबर मजदूरी करने वाले होटल में काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसे, मतलब आप लोग जैसे कि किसी चीज़ को अगर पैसे दे रहे हैं किसी को तो कोई लिखा पढ़ी की है उनके? साहब उन्होंने विश्वास दिया, जैसे आप उनको विश्वास दिला रहे, मैं भी विश्वास तो मैंने ही दिया। उनका कि अगर आप विश्वास करते हैं पांडे की अम्मा नहीं राजकुमार तो दे दो, ऐसी बात है, हम उनके किराए में एडजस्ट कर लेंगे। तो किसको दिया था पैसे आपने? कभी इनको सीमा में इनका मतलब जिनको था वो सीमा जी को दिया गया, और कभी कभी इनके आदमी मिलते, जब आदमी दो तो ये कहती थी कि मतलब ये जब रहा कर इनको मत दिया करो, सुबह आया करो, और जब इनकी बीवी को देता था बीवी कहती कि मतलब हमारे हस्बैंड पी खा के ख़त्म कर देंगे, घर पर मिलता नहीं इसलिए हमको दिया करिए, पता है इसमें से मकान मालिक है कौन भी कहने मतलब। तो आप क्या हटो कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? ये चाहता हूँ साहब, जब आप सामान देख लीजिए पड़ा हुआ, मैं इतना चाहता हूँ माँ चाहिए जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं तुम अपने वापस कर लो, मैं तुम्हारे पास तीन चार जो केस लेते हैं मैं वापस करवा लूँगा। अच्छा, आप पे केस भी लगवा दिए? मेरे दोनों भाई के ऊपर। अच्छा, क्या केस लगवा दिया? मेरा सर जी कान थाना में केस चला था NDPS का जी, और जिसमें मतलब हम कोई चीज़ में शामिल नहीं थे, फर्जी हमको दिखाया गया, वो केस एक लगाया गया, फिर से रीओपन किया गया है। उसके बाद मतलब जब हमको यहाँ से पकड़ के लेके गए 14 तारीख की शाम को 5:30 बजे रोड से, कहा कि साहब ने बुलाया, बोले साहब ने फोन जाँच के लिए एक दो घंटे छोड़ दिया जाएगा तुम दोनों भाइयों को, फिर रात भर बैठा ले रहे 15 अगस्त की सुबह 11 बजे छोड़ा, वो भी सुलहनामा डरा धमका के, यानी कि वो केस खत्म हो चुका था, लेकिन इस मामले के चलते और जैसे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दे करके उसको दोबारा से रीओपन करा दिया गया। तो ये सर जी हम कहते हैं अगर वाला पुराना केस रीओपन कराया गया है तो ये फर्जी में जो 3-4 केस लगे हैं ये हमने किया कब है? हमारा सर जी ये सुनील कुमार पांडे और ये मेरी माता जी। अच्छा अच्छा जी, क्या दिक्कत हुई है, थोड़ा सा प्रकरण के विषय में बताएं। दिक्कत ये हुई सर जी, हम लोग काफ़ी सालों से मतलब यहाँ पर रह रहे हैं और इन्होंने कहा कि मतलब इसमें तुम किराए के तौर पर रहो, अगर तुमको खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो फिर किराया दो इसका। तो हमने कहा कितने का आप बेचेंगे, तो इन्होंने 1 लाख कुछ का बताया था, तो हमने कहा देखा हम इतना दे पाएंगे, तो कह ठीक है किस्तों में दोगे कि नगद कैश दोगे, तो हमने किस्तों में देंगे, हमारी इतनी औकात नहीं कि आपको कैश दे दे। नहीं तो आप बैंक में जमा करते थे कि कैसे क्या जो उनको दिया पैसे? वो साहब जी इनको लाते थे, हम कमा के ला के इनको देते। नहीं नहीं, सीमा को कैसे दिया, हाथ से दे के आते थे, हाथ से देते थे, हाँ बैंक द्वारा नहीं। तो आपके पास कोई रिसीविंग या कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया? इन्होंने कहा था आखिरी किस्त 10,000 की दे दोगे तब हम तुमको लिखा पड़ी से ये कागज तुम्हारा मकान कर दे। लेकिन उसके बाद पुलिस वगैरह आई तो पुलिस का क्या है जो आपके प्रति रवैया रहा, उसने जांच की कि आपने पैसे दिए हैं नहीं दिए कुछ? और मेरा केस चल रहा कोर्ट में। विपक्षी गण कौन है जिनका मकान है? वो है सर जी सीमा और उनके आदमी का नाम है महेश। अच्छा।